ओम जय श्री जगन्नाथम। मित्रों, मैं पपेस आप सभी भक्त जनों को नमस्कार करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं अग्नि पुराण की अगला अध्याय। गुप्त पापों के प्रायश्चित का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं गुप्त पापों के प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ जो परम शुद्धि प्रद है। एक मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का नाश करने वाला है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने सब पापों को नष्ट कर डालता है। समस्त कृत्यों में मुंडन, स्नान, हवन और श्री हरि का पूजन विहित है। कृच व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसे वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करें, इसे यति चांद्रायन कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने से शिशु चांद्रायन होता है। 1 मास में किसी भी प्रकार 240 पिंड भोजन करें, यह सूर्य चंद्रायन की विधि है। 3 दिन गर्म जल, 3 दिन गर्म दूध, 3 दिन गर्म घी और 3 दिन वायु पीकर रहे तो इसे तप्त कृच कहा गया है। और इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध, 3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत कृच होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने से कृच्छति कृच होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश जल का भक्षण करके रहे तथा 1 दिन उपवास करे, इसे कृच सांतपन व्रत माना गया है। सांतपन कृच की वस्तुओं को 1-1 दिन के क्रम से लेने पर महासांतपन व्रत माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं को 3-3 दिन के क्रम से ग्रहण करने पर अति सांतपन माना जाता है। 12 दिन निराहार रहने से पराक कृच होता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करें और अंत में 3 दिन उपवास रखें, इसे प्राजापत्य व्रत कहा गया है। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कृच्छपात कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल कृच और बेल खाकर रहने से शी कृच होता है। इसी प्रकार पद्माक्ष, कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष कृच, आंवले खाकर रहने से आमलक कृच और पुष्प खाकर रहने से पुष्प कृच होता है। पूर्वोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र कृच, जल पीकर रहने से जल कृच, केवल मूल का भोजन करने से मूल कृच और दधि, दुग्ध अथवा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि कृच, दुग्ध कृच और तक्र कृच होते हैं। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य कृच होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करके रहने से अग्नि कृच माना जाता है जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज खीर का भोजन करें। चतुर्दशी एवं पंचदशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा को उपवास रखें, फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान का भोजन करें। यह ब्रह्म कूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पाप नाश की कामना से देवताओं का आराधन और कृच व्रत करता है, वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समस्त पाप नाशक स्तोत्र। पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित पर स्त्री गमन, पर स्वाप हरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं
और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापाधारी श्री विष्णु का मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए आपको नमस्कार है। केशव अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव आपके इन तीन नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है वे शरीर मन और वाणी जने समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप करें। ये स्त्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। तृच्छ आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्त्रोत जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। अनेक विध प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ अब मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का नाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूँ जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग द्वेष अथवा प्रमाद वश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है देश काल अवस्था शक्ति और पाप का विचार करके यत्न पूर्वक प्रायश्चित की व्यवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दें अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान का भोजन करता हुआ मैंने ब्राह्मण का वध किया है इस प्रकार अपने पाप कर्म को प्रकाशित करे। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 6 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करें। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण क्षत्रिय को 3 चरण वैश्य को आधा
और शूद्र, व्रत, स्त्री, बालक एवं रोगी को एक चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का एक पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टम अंश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडश अंश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें। गो हत्यारा शयन चित होकर एक मास तक गौशाला में शयन करे, गौ का अनुगमन करे और पंच गव्य पीकर रहे, फिर गोदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच्छ्र अथवा अति कृच्छ्र कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके तीन चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्ण का दान करें। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि के मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसे गौवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो तीन चरण प्रायश्चित करें। काट से गोवध करने वाला सांतपन व्रत, ढेले से मारने वाला राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्त कृच्छ्र और शस्त्र से वध करने वाला अति कृच्छ्र करें। बिल्ली, गोह, नेवला, मेंढक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके तीन दिन दूध पीकर रहे अथवा प्राजापत्य या चांद्रायन व्रत करें। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करें। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करें। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंकमाद्विक, मैरेय और नारियल का रस, ये मादक होते हुए भी मध्य नहीं है, पैपी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं दूजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरा पान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है, अथवा सुरा पान के पाप से मुक्त होने के लिए एक वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करें। नित्य रात्रि के समय एक बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करें। अज्ञान वश मल मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरा पात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करें। चांडाल का जल पीकर 6 दिन उपवास रखें तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर सांतपन व्रत करें। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात उपवास रखकर पंचगव्य का पान करें। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, शंभुक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। शव युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायन व्रत करें। आपत्काल में शूद्र के घर भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। कद्दू पक्व, भुजा, स्नेह पक्व, घी तेल में पके पदार्थ, घी तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि, ये वस्तुएं शूद्र के घर से ली जाने पर भी निंदित नहीं है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला एक दिन उपवास रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर त्रिरात व्रत से शुद्धि होती है। केश एवं कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूण घाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौए आदि पक्षियों का झूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन उपवास करें। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करें। नव श्राद्ध में चांद्रायन, मासिक श्राद्ध में पराग व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अति कृच्छ, षाण मासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में एक पाद प्राजापत्य व्रत करें। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में 1 दिन का उपवास करें। निश्चित वस्तु का भक्षण करने पर उपवास करके प्रायश्चित करें। भूतरण, छत्राक, लहसुन और शिग्रुक, श्वेत मरीच खा लेने पर एक पाद प्राजापत्य करें। अभोज्य अन्न, शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र का उच्छिष्ट,
या अभक्ष्य मांस का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ, द्विज, मधु, मांस या जनना शौच एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है, वह प्राजापत्य कृच्छ्र करे। अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरु पत्नी गामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायन व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरु पुत्री, गुरु पत्नी और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरु पत्नी गामी माना गया है। गुरु पत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की शैया पर तप्त लौहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरु पत्नी गामी 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करे। पुरुष को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। द्विज 1 रात शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है वे 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, उक्कसी, पुत्रवधु, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी अथवा गुरु पत्नी से गमन करके चांद्रायन व्रत करे। प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करें और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन करावे। सूतिका स्त्री, अंत्यज अथवा रजस्वला द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री जप करे। दुगुना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराए। होम का नियम भंग होने पर होम, स्नान और पूजन करे। होम द्रव्य को चूहे आदि खा ले या वे कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करें। भले ही अंकुर मात्र अर्पण करें, परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्यों का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख दे। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर देव एवं मानुष विघ्नों का विनाश करने वाले गणपति के बीज मंत्र का जप करके पुनः पूजन करे। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र जप करें। देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियां देने से शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने पर पश्चाताप होता है उसके लिए श्री हरि का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। चांद्रायन, पराग एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणाशन स्त्रोत एवं मंत्र का जप पापों का अंत करने वाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के क से प्रारंभ होने वाले रा बीच से संयुक्त रादि, आदि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले हैं। इनके सिवा
ओम क्लीम से प्रारंभ होने वाले चतुर्थी अंत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करता है। अग्नि पुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में अग्नि देव का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा श्री विष्णु ही मुख स्वरूप अग्नि देव है, जिनका संपूर्ण वेदों में काम किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उन परमेश्वर का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से भी पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित श्री विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 प्रकार के स्वर्ण दान, 12 प्रकार के धान्य दान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्न दान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मन वनतारंभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रशमन करते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शालग्राम, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करते हैं। मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ, इस प्रकार की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री विष्णु की विभूतियाँ हैं। वे श्री हरि एक होते हुए भी सगुण निर्गुण दो रूपों में विभक्त एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित हैं। जो ऐसा जानता है, श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ही अष्टादश विद्या रूप, सूक्ष्म, स्थूल, सचित स्वरूप, अविनाशी पर ब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु है। व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत आदि का क्रमशः वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री नहीं है, उनके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत, उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपावृत निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सब गुणों के साथ वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले पुरुष को कांसे के बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराय अन्न तथा स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगराग, दांत धोने के लिए मंजन तथा दातोन, इन सब वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातः काल जल से मुंह धो कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने तथा मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं।
व्रत में पवित्र ऋचाओं को जपे और अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुरु देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करे। क्षार शहद नमक शराब और मांस को त्याग दे। तिल मूंग आदि के अतिरिक्त धान्य भी त्याचे हैं। धान्य अन्न में उड़द कोदो चीना देव धान्य शमी धान्य गुड़ शित धान्य पय तथा मूली ये क्षार गण माने गए हैं। व्रत में इनका त्याग कर देना चाहिए। धान साठी का चावल मूंग मटर तिल जौ सांवा तिन्नी का चावल और गेहूं आदि अन्य व्रत में उपयोगी हैं। कुम्हाड़ा लौकी बैंगन पालक तथा पुदीना को त्याग दें। चरु भिक्षा में प्राप्त अन्न सत्तू के दाने साग दही घी दूध सांवा अघनी का चावल तिन्नी का चावल जौ का हलवा तथा मूर तंडुल ये हविष्य माने गए हैं। इन्हें व्रत में नक्त व्रत में तथा अग्निहोत्र में भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकर हैं। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन केवल प्रातः काल और 3 दिन केवल संध्या काल में भोजन करे। फिर 3 दिन केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का दिन में एक समय भोजन करे। उसके बाद 3 दिनों तक उपवास करके रहे। इस प्रकार ये 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार अतिकृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज पूर्ववत 3 दिन प्रातः काल 3 दिन सायकाल और 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न का 1-1 ग्रास भोजन करे तथा अंतिम दिनों में उपवास करे। गाय का मूत्र गोबर दूध दही घी तथा कुश का जल इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पिए, फिर दूसरे दिन उपवास करे। ये सांतपन कृच्छ नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्यों का पृथक पृथक 1-1 दिन के क्रम से 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार यह 1 सप्ताह का व्रत महासांतपन कृच्छ कहलाता है, जो पापों का नाश करने वाला है। लगातार 12 दिनों के उपवास से संपन्न होने वाले व्रत को पराग कहते हैं। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इससे तिगुने अर्थात 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 1-1 ग्रास घटाता रहे। अमावस्या को उपवास करे तथा प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन आरंभ करके नित्य 1-1 ग्रास बढ़ाता रहे। इसे चंद्रायन कहते हैं। इसके विपरीत क्रम से भी ये व्रत किया जाता है। जैसे शुक्र प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करे, फिर 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से 1-1 ग्रास घटाकर अमावस्या को उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र 1 पल, गोबर अंगूठे के आधे हिस्से के बराबर, दूध 7 पल, दही 2 पल, घी 1 पल तथा कुश का जल 1 पल 1 में मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री मन से गोमूत्र डाले। गंध द्वाराम दुराधर्षाम इस मंत्र से गोबर मिलाए। अप्यायस्व इस मंत्र से दूध डाल दे। दधि क्रावणो इस मंत्र से दही मिलाए। तेजो असी शुक्रमस्य मृतमसी इस मंत्र से घी डाले तथा देवस्य इस मंत्र से कुशोदक मिलाए। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकूर्च है। ब्रह्मकूर्च तैयार होने पर दिन भर भूखा रहकर सायंकाल में अघमर्षण मंत्र अथवा प्रणव के साथ आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं का जप करके उसे पी डाले। ऐसा करने वाला सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल में भोजन करने वाला दिन के 8 भागों में से केवल 6ठे भाग में आहार ग्रहण करने वाला सन्यासी मांस त्यागी अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। अगण्य धन प्रतिष्ठा यज्ञ दान व्रत देव व्रत वृषोत्सर्ग चूड़ाकरण मेखला बंध यज्ञोपवीत विवाह आदि मांगलिक कार्य तथा अभिषेक ये सब कार्य मल मास में नहीं करने चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चांद्र मास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना गया है। संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहलाता है तथा क्रमशः
संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन से नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृ कार्य में चंद्र मास उत्तम माना गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो पांचवा पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि दो दिन की हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि उत्तम जाननी चाहिए और पहली को मलिन। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हों। दिवस व्रत में दिन व्यापिनी तथा नक्त व्रत में रात्रि व्यापिनी तिथियां पुण्य एवं शुभ मानी गई हैं। द्वितीया के साथ तृतीया का, चतुर्थी पंचमी का, षष्ठी के साथ सप्तमी का, अष्टमी नवमी का, एकादशी के साथ द्वादशी का, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा का तथा अमावस्या के साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी सप्तमी आदि में भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा से द्वितीया का, तृतीया से चतुर्थी आदि का जो युग्म भाव है वह बड़ा भयानक होता है। वे पहले के किए हुए समस्त पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है, जिसने दीर्घ काल में समाप्त होने वाले व्रत को आरंभ किया है। वे स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो वे रज उसके व्रत में बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य न रह जाए तो सदा दूसरे से उस शुभ कार्य का संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो तीन दिनों तक भोजन न करे अथवा मुंह मुड़ा ले। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को करावे। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से उसे होश में लाए। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये आठ व्रत के नाशक नहीं है। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे। व्रतपते, मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। ये श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगतपते, आपके प्रसाद से इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक, इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात यदि इसकी पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपके प्रसन्न होने से वे अवश्य ही पूर्ण हो जाए। केशव, आप व्रत स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के स्थान एवं जगत को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। मैं संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंडल में आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगव्य, पंचामृत तथा उत्तम जल के द्वारा मैं भक्ति पूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों के नाशक हो। अर्घ्यपते, गंध, पुष्प और जल से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए तथा मुझे सदा अर्घ सम्मान पाने के योग्य बनाइए। वस्त्रपते, व्रतों के स्वामी, ये पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिए और मुझे सदा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों आदि से आच्छादित किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मन, ये परम निर्मल उत्तम सुगंध से युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित और पुण्य की सुगंध से युक्त कीजिए। भगवान, ये पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। ये फूल की निर्मल सुगंध आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। संतों के स्वामी, गुग्गुल और घी मिलाए हुए इस दशांग धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर, आप मुझे उत्तम धूप की सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव, सबको प्रकाशित करने वाले इस प्रकाश पूर्ण दीप को, जिसकी शिखा ऊपर की ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिए और मुझे भी प्रकाश युक्त एवं ऊर्ध गति, उन्नतिशील एवं ऊपर के लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं के अधीश्वर,
इस अन्न आदि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव से संपन्न अन्नदाता एवं सर्वस्व दान करने वाला हो सकूं। प्रभु, व्रत के द्वारा आराध्य देव, मैंने मंत्र विधि तथा भक्ति के बिना ही जो आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते, प्रभु, आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देने के लिए अपने स्थान को जाएं। सब प्रकार के व्रतों में व्रतधारी पुरुष को उचित है कि वे स्नान करके व्रत संबंधी देवता की स्वर्णमयी प्रतिमा का यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि पर सोए। व्रत के अंत में जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण की एवं गुरुजनों की पूजा करके उन्हें भोजन करावे और यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौ, सुवर्ण आदि, खड़ाऊ, जूता, जल पात्र, अन्न पात्र, मृतिका, छत्र, आसन, शैया, 2 वस्त्र और कलश आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार यहाँ व्रत की परिभाषा बताई गई है। प्रतिपदा तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं आपसे प्रतिपद आदि तिथियों के व्रतों का वर्णन करूँगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपद ब्रह्मा जी की तिथि है। पूर्णिमा को उपवास करके प्रतिपद को ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूजा ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से करनी चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष तक करें। ब्रह्मा जी के सुवर्णमय विग्रह का पूजन करें, जिसके दाहिने हाथों में स्फटिकाक्ष की माला और श्रुवा हो तथा बाएं हाथों में श्रुक एवं कमंडलू हो। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा भी हो। यथाशक्ति दूध चढ़ावे और मन में ये उद्देश्य रखे कि ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो। यूँ करने वाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वी पर धनवान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। अब मैं धन्य व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने से अधन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्ग शीश मास की प्रतिपद को उपवास करके रात में अग्नये नमः इस मंत्र से होम और अग्नि की पूजा करें। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रतिपद को अग्नि की आराधना करने से मनुष्य सब सुखों का भागी होता है। प्रत्येक प्रतिपदा को एक भुक्त दिन में एक समय भोजन करके रहे। साल भर में व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य वैश्वानर पद को प्राप्त होता है। यह शिखी व्रत कहलाता है। द्वितीय तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं द्वितीय के व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष आदि देने वाले हैं। प्रत्येक मास की द्वितीय को फूल खाकर रहें और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करें। 1 वर्ष तक इस व्रत के अनुष्ठान से सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम की पूजा करें, फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास पूर्वक व्रत रखें। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं पड़ता। अब अशून्य शयन नामक व्रत बतलाता हूँ जो स्त्रियों को अवैधव्य सदा सुहाग और पुरुषों को पत्नी सुख आदि देने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। वक्ष्य स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के धाम और स्वामी हैं, अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से धर्म, अर्थ और काम प्रदान करने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट ना हो। मेरे घर के अग्निहोत्र की आग कभी ना बुझे। ग्रह देवता कभी अदृश्य ना हो। मेरे पितर नाश से बचे रहें और मुझसे दाम्पत्य भेद ना हो। जैसे आप कभी लक्ष्मी जी से विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नी के साथ का संबंध कभी टूटने या छूटने ना पावे। वरदानी प्रभु, जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी जी से सुनी नहीं होती, मधुसूदन उसी प्रकार मेरी शैया भी पत्नी से सुनी ना हो।
इस प्रकार व्रत आरंभ करके एक वर्ष तक प्रतिमास की द्वितीया को श्री लक्ष्मी और विष्णु का विधिवत पूजन करें, शैया और फल का दान भी करें। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र, भगवान चंद्रदेव आप गगन प्रांगण के दीपक हैं, क्षीर सागर के मंथन से आपका आविर्भाव हुआ है, आप अपनी प्रभा से संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हैं, भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ओम शम श्री धराय नमः इस मंत्र से सोम स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। घन तन हन सन श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी की तथा दश रूप महात्मने नमः इस मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करें। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को शैया दान करें, उसके साथ दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दें। जो इस प्रकार उक्त व्रत का पालन करता है वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। अब कांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को करना चाहिए। दिन में उपवास और रात में भोजन करें। इसमें बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। एक वर्ष तक ऐसा करने से व्रती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य आदि प्राप्त करता है। अब मैं विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा जो मनोवांछित फल को देने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके लगातार चार दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान बताया गया है। तीसरे दिन वचा या वच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्वौषधि मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। मुरा, कपूर कचरी, वचा, वच, कुष्ठ, कूट, शैले, शिलाजीत या भूरी चरीला, दो प्रकार की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा, ये सर्वौषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस नाम मंत्र से क्रमशः भगवान के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले दिन के अर्घ्य में शशिनेय नमः, दूसरे दिन के अर्घ्य में चंद्राय नमः, तीसरे दिन शशांकाय नमः और चौथे दिन इंदवय नमः का उच्चारण करना चाहिए। रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हो तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करके संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में राजाओं ने, स्त्रियों ने और देवता आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्यशयन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों की पूजा करें। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव की और जयाय नमः, जया को नमस्कार, यूँ कहकर गौरी देवी की अर्चना करें। त्रिपुर ध्यानाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्र देव को नमस्कार तथा भवानीय नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंघाओं का और रुद्राईश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्र देव को नमस्कार है, एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करें। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार, ये कहकर देवी के और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटी भाग की पूजा करें। कोटव्यय नमः, कोटवी देवी को नमस्कार और शूलपाणये नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार,
यो कहकर क्रमश गौरी शंकर के कुक्षी देश का पूजन करें। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार कहकर भवानी के और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार ये कहकर शंकर के उदर का पूजन करें। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शिव को नमस्कार यो कहकर रुद्र के और ईशान्याय नमः, ईशानी को नमस्कार कहकर पार्वती के स्तन युगल का पूजन करें। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार ये कहकर शिव के और उसी प्रकार रादिन्याय नमः, सबको आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करें। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार कहकर क्रमश शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करें। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार और कालानन प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव के प्रियतमा को नमस्कार कहकर भुजाओं का तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। तदंतर अशोक मधु वासिनीय नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार कहकर दोनों के ओष्ठ भाग का तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधु को नमस्कार और हराय स्थानवय नमः, पाप हारी स्थानु स्वरूप शिव को नमस्कार कहकर क्रमशः गौरी शंकर के मुख का पूजन करें। अर्ध नारीशाय नमः, अर्ध नारीश्वर को नमस्कार कहकर शिव की और अमिताङ्गाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करें। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार कहकर लोकेश्वर शिव का और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार कहकर पार्वती की भौहों का पूजन करें। शर्वाय नमः, शर्व को नमस्कार कहकर त्रिपुरारी शिव के और वासंतीय नमः, वासंती देवी को नमस्कार कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करें। श्री कंठनाथाय नमः, श्री कंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार और शीति कंठाय नमः, नील कंठ को नमस्कार कहकर गौरी शंकर के केश पाश का पूजन करें। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार कहकर शंकर के और सुरूपिण्य नमः, सुंदर रूपपति को नमस्कार कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करें। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा शिव को नमस्कार कहकर पूजा का उपसंहार करें। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमश चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अमलान, आंवली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रखते हैं। रत मिश्रित निष्पाव, एक द्विदल, कुसुम, केसर, दुग्ध, जीवक, एक औषधि विशेष, दूर्वा, ईक, नमक और कुस्तुम्बरु, धनिया, ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य हैं। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का, गंगा आदि का जल पान करके रुद्रदेव और पार्वती देवी के आगे शयन करें। प्रातः काल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करें और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता पियताय मम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे। व्रत करने वाले को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमश ये आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार, आंख का पुष्प, आषाढ़ में विल्व पत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, आश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधि, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फागुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपयुक्त नामों का प्रियताम मम से संयुक्त करके उच्चारण करें। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दें तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त शैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौ सहित वृषभ का दान करें।
गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य शयन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। ये व्रत भाद्रपद, वैशाख और माघ शीश के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताये नमः, ललिता को नमस्कार, इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करें। तदंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य शयन की ये दूसरी विधि बताई गई। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फागुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो कहकर शैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करें। ये सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया जो पार्वती आदि के लोगों को प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करना चाहिए। माघ शीष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छा अनुसार भोजन करावे। माघ शीष की तृतीया से आरंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपर्युक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहें: गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। चतुर्थी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके गणेश का पूजन करें। तदंतर पंचमी को तिल का भोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्न रहित होकर सुखी रहता है। गं स्वाहा, यह मूल मंत्र है। गं नमः आदि से हृदय आदि का न्यास करें। आगच्छोल काय, ये कहकर गणेश का आवाहन और गच्छोल काय कहकर विसर्जन करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आवाहन आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों एवं लड्डू आदि द्वारा गणपति का पूजन करें। तदंतर निम्नलिखित गणेश गायत्री का जप करें: ओम महुलकाय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिव लोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी, मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फागुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करे, ये अविघ्ना चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से गणेश का पूजन करके मनुष्य सुख भोग प्राप्त करता है। पंचमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पंचमी व्रत का वर्णन करता हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। षष्ठी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं षष्ठी संबंधी व्रतों को कहता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फल मात्र का भोजन करके कार्तिकेय के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसे माघ शीश में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 182वां अध्याय, सप्तमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सप्तमी तिथि के व्रत कहूँगा। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है।
माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर सूर्य देव का पूजन करने से सारे पापों का विनाश होता है। माघ के कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फागुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराजिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। एक वर्ष तक माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष का पुत्रिया सप्तमी व्रत स्त्रियों को पुत्र प्रदान करने वाला है। अष्टमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्थ रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतः भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजन की विधि इस प्रकार है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकीं वसुदेवं यशोदां गः पूजयामि नमोस्तुते। योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदा देवी और गौओं का आवाहन एवं पूजन करता हूँ। आप सबको नमस्कार है। योग स्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदिकरण उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए और इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दान करें। यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानाम पतये नमः। यज्ञादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर यज्ञ स्वरूप, यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप। गृहाण देव पुष्पाणि सुगंधिनी प्रयाणी ते सर्व काम प्रदो देव भव में देव वंदित। धूप धूपित धूपम त्वम धूपितस्त्वम ग्रहण में सुगंधि धूप गंधार्यम कुरु माम सर्वदा हरे। देव आपके प्रिय ये सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित हैं, मेरे द्वारा अर्पित धूप दान से आप धूप की सुगंध ग्रहण कीजिए। श्री हरे मुझे सदा सुगंधित पुष्पों धूप एवं गंध से संपन्न कीजिए। दीप दान। दीप दीप्त महादीपम दीप दीप्तित सर्वदा मया दत्तम ग्रहण त्वम कुरु चौदर गतिम च माम। विश्वाय विश्वपतये विश्वशाय नमो नमः। विश्वादि संभवाय ये गोविंदाय निवेदितम। प्रभो आप सर्वदा दीप के समान दैदिव्यमान एवं दीप को दीप्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया ये महादीप ग्रहण कीजिए और मुझे भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप विश्वपति विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को मैं ये दीप निवेदन करता हूँ। शयन मंत्र। धर्माय धर्मपतये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवाय ये गोविंद शयनम कुरु। सर्वाय सर्वपतये सर्वशाय नमो नमः। सर्वादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। धर्म स्वरूप धर्म के अधिपति धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान श्री वासुदेव को नमस्कार है। गोविंद अब आप शयन कीजिए। सर्वरूप सबके अधिपति सर्वेश्वर सबके आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। तदंतर रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्य दान दें। क्षीरोदान वसंभूत अत्रि नेत्र समुद्भव
ग्रहणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्या सहितोमम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेज स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवती ग्रह को वेदिका पर स्थापित करें और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करें। तदंतर अर्धरात्रि के समय वसुदेव, देवकी, नंद यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा में उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला पुत्र युक्त होकर विष्णु लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रति वर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह पुंक नामक दरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिए। गोविंद मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए। अष्टमी संबंधी विविध व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करें और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृ गणों का जप पूजन करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूपी अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं कालाष्टमी का वर्णन करता हूँ। ये व्रत माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नान आदि से पवित्र हो भगवान शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास में शंभू का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करे। फागुन में महादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र में स्थाणु का पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करे और कुश जल से पारण करे। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल, झरने का जल का पान करें। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गौ मय का भक्षण और श्रावण में शर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करें। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके विल्व पत्र का भक्षण करें। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दही का भोजन करें। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करें और सर्वतो लिंगतो भद्र का निर्माण करके उसमें भगवान शंकर का पूजन करें। तदंतर आचार्य को गौ, वस्त्र और सुवर्ण का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करें। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करें और वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करें। इससे मनुष्य इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यह स्वर्गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार का योग हो उस दिन व्रत रखें और एक समय भोजन करें। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। दो अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल लें और उसका भात बनाकर कुश युक्त आम्र पत्र के दोने में रखें। कुलाम्बिका सहित बुध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करें। तदंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दें। बुधाष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धी नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनत नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नान आदि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा कर ले गए। कौशिक जब नदी से नहाकर निकला तब बैल को वहाँ ना पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आप आज हमारे अतिथि हुए हैं इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। तदंतर कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई।
कौशिक जब मृग्या के उद्देश्य से वन में आया तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहाँ प्रकट होकर कहा, बुद्धाष्टमी के दो व्रतों के फल से। तब कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से दो बुद्धाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। तदंतर विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्षादि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की आठ कलिकाओं का रस पान करते हैं वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। कलिकाओं का रस पान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वाम अशोक हरा भीष्टम मधु मास समुद्भव पिबामी शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदा के लिए शोक रहित कर दो। चैत्रादि मासों की अष्टमी को मात्र गण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। नवमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष आदि की सिद्धि प्रदान करने वाले नवमी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी का व्रत करके देवी का पूजन करना चाहिए। इस नवमी को पिष्टिका नवमी होती है। उसका व्रत करने वाले मनुष्य को देवी का पूजन करके पिष्टांग का भोजन करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की जिस नवमी को अष्टमी और मूल नक्षत्र का योग हो एवं सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो उसे महानवमी कहा गया है। वे सदा पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन नव दुर्गाओं को नौ स्थानों में अथवा एक स्थान में स्थित करके उनका पूजन करना चाहिए। मध्य में अष्टादश भुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागों में शेष दुर्गाओं का पूजन करना चाहिए। अंजन और डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से नव दुर्गाओं की स्थापना करनी चाहिए। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंड रूपा और अति चंडिका। इन सबके मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्र चंडा महिष मर्दिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा, ये दशाक्षर मंत्र है। जो मनुष्य इस विधि से पूर्वोक्त दशाक्षर मंत्र का जप करता है वह किसी से भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करों में कपाल, खेतक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करों में शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड़ग, भाला, अंकुश, चक्र तथा शलाका लिए हुए हैं। उनके इन आयुधों की भी अर्चना करें। फिर काली काली आदि मंत्र का जप करके खड़ग से पशु का वध करें। पशु बलि का मंत्र इस प्रकार है, काली काली वज्रेश्वरी लोह दंडाय नमः। बलि पशु का रुधिर और मांस पूतनाय नमः कहकर नैऋत्य कोण में, पाप राक्षस से नमः कहकर वायव्य कोण में, चरक्याय नमः कहकर ईशान कोण में एवं विदारिकाय नमः कहकर अग्नि कोण में उनके उद्देश्य से समर्पित करें। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कंद एवं विशाख के निमित्त पिष्ट निर्मित शत्रु की बलि दे। रात्रि में ब्राह्मी आदि शक्तियों का पूजन करे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बी के तुम्हें मेरा नमस्कार हो। आदि मंत्रों से देवी की स्तुति करें और देवी को पंचामृत से स्नान करा के उनकी विविध उपचारों से पूजा करें। देवी के उद्देश्य से किया हुआ ध्वज दान, रथ यात्रा एवं बलिदान कर्म अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। दशमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दशमी संबंधी व्रत के विषय में कहता हूँ जो धर्म कामादि की सिद्धि करने वाला है। दशमी को एक समय भोजन करें और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। एकादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा।
व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी विधवा एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विधवा एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। दशमी विधवा एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन ये कहकर भोजन करें, पुंडरीकाक्ष मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, अच्युत अब मैं भोजन करूँगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब पुष्य नक्षत्र का योग हो उस दिन उपवास करना चाहिए। वह अक्षय फल प्रदान करने वाली है और पाप नाशिनी कही जाती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विधवा एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फागुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को भी सत्पुरुषों ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी जाती है। एकादशी को सबका उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। द्वादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ अब मैं भोग एवं मोक्ष प्रद द्वादशी संबंधी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करे और किसी से कुछ नहीं मांगे। उपवास करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्री हरि का अर्चन करे। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायणाय मंत्र से श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। अश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करे। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फागुन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो उसे तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करें। होम और उपवास से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला कुल सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्री हरि का पूजन करे। इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्री हरि का 1 वर्ष तक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है, वह कभी नरक गामी नहीं हो सकता। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु का पूजन करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करे। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करे और तिलों का होम करे। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करें। श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ। ये श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवास करने पर महान फल प्रदान करने वाली है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है।
त्रयोदशी के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पारण त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र द्वादश्याम च निराहारो वामनम पूज्याम्यहम् उद्कुम्भे स्वर्णमयम् त्रयोदश्याम तु पारणम्। मैं द्वादशी को निराहार रहकर जल पूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करता हूँ एवं व्रत का पारण त्रयोदशी को करूँगा। मैं दो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित एवं छत्र पादुकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्रधारी वामन अवतार विष्णु का आवाहन करता हूँ। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी श्री विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगों द्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्य दान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करें और इसी मंत्र द्वारा श्री हरि के उद्देश्य से 108 आहुतियां दें। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र से श्री हरि के शिरोभाग की अर्चना करें। श्री धराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्री पतये नमः कहकर वक्ष स्थल का, सर्वास्त्र धारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का, व्यापकाय नमः से नाभि और वामनाय नमः बोलकर कटी प्रदेश का पूजन करें। त्रैलोक के जननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपत्यय नमः से दोनों जंघाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर श्री विष्णु के चरणों की पूजा करें। तदंतर वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करें। रात्रि में जागरण करके प्रातः काल संगम में स्नान करें। फिर गंध पुष्पादि से भगवान का पूजन करके निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। बुध एवं श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिए। देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न हो। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंच से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे। भगवान वामन ने मुझे दान की बुद्धि प्रदान की है, वे ही दाता हैं। देय द्रव्य में भी स्वयं वामन स्थित है। वामन भगवान ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझे प्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामन अवतार विष्णु का नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का संपादन करने वाली है। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। व्रत करने वाला मनुष्य पंच गव्य मिश्रित जल से स्नान करे और उसी का पारण करे। इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवान, 7 जन्मों से मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो आपकी कृपा से वे मेरे लिए अखंड फलदायक हो जाए। पुरुषोत्तम, जैसे आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाए। इस प्रकार माघ शीर्ष से आरंभ करके फागुन तक प्रत्येक मास में करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत ये व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान करें। श्रावण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपर्युक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं त्रयोदशी तिथि के व्रत कहता हूँ जो सब कुछ देने वाले हैं। पहले मैं अनंग त्रयोदशी के विषय में बतलाता हूँ। पूर्व काल में अनंग कामदेव ने इसका व्रत किया था। माघ शीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को कामदेव स्वरूप हर की पूजा करें, रात्रि में मधु का भोजन करें तथा तिल और अक्षत मिश्रित व्रत का होम करें।
पौष में योगेश्वर का पूजन एवं होम करके चंदन का प्राशन करें। माघ में महेश्वर की अर्चना करके मौक्तिक रासना नामक पौधे के जल का आहार करें। इससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला फागुन में वीरभद्र का पूजन करके कंकोल का प्राशन करें। चैत्र में सुरूप नामक शिव की अर्चना करके कर्पूर का आहार करने वाला मनुष्य सौभाग्य युक्त होता है। वैशाख में महारूप की पूजा करके जायफल का भोजन करें। व्रत करने वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न का पूजन करें और लौंग चबाकर रहे। आषाढ़ में उमापति की अर्चना करके तिल मिश्रित जल का पान करें। श्रावण में शूल पानी का पूजन करके सुगंधित जल का पान करें। भाद्रपद में अकुरु का प्राशन करें और सदियों जात का पूजन करें। आश्विन में त्रिदशाधिप शंकर के पूजन पूर्वक स्वर्ण जल का पान करें। व्रती पुरुष कार्तिक में विश्वेश्वर की अर्चना के अनंतर लवण का भक्षण करें। इस प्रकार वर्ष के समाप्त होने पर स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को आम के पत्तों और वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान दें। साथ ही गौ शैया छत्र कलश पादुका तथा रस पूर्ण पात्र भी दें। चैत्र के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को सिंदूर और काजल से अशोक वृक्ष को अंकित करके उसके नीचे रति और प्रीति काम की पत्नियों से युक्त कामदेव का स्मरण करें। इस प्रकार कामना युक्त साधक एक वर्ष तक कामदेव का पूजन करें। ये काम त्रयोदशी व्रत कहलाता है। चतुर्दशी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं चतुर्दशी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की चतुर्दशी को निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करें और वहीं से आरंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए एक वर्ष तक इस नियम को निभावें। ऐसा करने वाला पुरुष भोग धन और दीर्घायु से संपन्न होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तृतीया द्वादशी अथवा चतुर्दशी को मौन धारण करके फलाहार पर रहे और देवता का पूजन करें तथा कुछ फलों का सदा के लिए त्याग करके उन्हीं का दान करें। इस प्रकार फल चतुर्दशी का व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस विधि से दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को नक्त व्रत केवल रात में भोजन करने से साधक इह लोक में अभीष्ट भोग तथा परलोक में शुभ गति पाता है। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी को स्नान करके ध्वज के आकार वाले बांस के डंडों पर देवराज इंद्र की आराधना करने से मनुष्य सुखी होता है। तदंतर प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्री हरि के कुशमय विग्रह का निर्माण करके उसे जल से भरे पात्र के ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अघनी धान के एक सेर चावल के आटे का पुआ बनवा ले, उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा अपने उपयोग में लावे। नदियों के तट पर इस व्रत और पूजन का आयोजन करके वही श्री हरि के अनंत व्रत की कथा का भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। उस समय चतुर्दश ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र का निर्माण करके अनंत की भावना से ही उसका पूजन करें। फिर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे अपने हाथ या कंठ में बांध लें। मंत्र इस प्रकार है, हे वासुदेव, संसार रूपी अपार पारावरण में डूबे हुए हम जैसे प्राणियों का आप उद्धार करें। आपके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, आप हमें अपने उसी अनंत स्वरूप में मिला लें। आप अनंत रूप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य परमानंद का भागी होता है। शिवरात्रि व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शिवरात्रि व्रत का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनुष्य कामना सहित उपवास करे। व्रत करने वाला रात्रि को जागरण करे और ये कहे, मैं चतुर्दशी को भोजन का परित्याग करके शिवरात्रि का व्रत करता हूँ। मैं व्रत युक्त होकर रात्रि जागरण के द्वारा शिव का पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर का आवाहन करता हूँ। शिव, आप नरक समुद्र से पार कराने वाली नौका के समान हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रजा और राज्यादि प्रदान करने वाले मंगलमय एवं शांत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य
आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुझे धर्म दीजिए, धन दीजिए और काम भोग आदि प्रदान कीजिए। मुझे गुण, कीर्ति और सुख से संपन्न कीजिए तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पापात्मा सुंदर सेन व्यास ने भी पुण्य प्राप्त किया है। अशोक पूर्णिमा आदि व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अशोक पूर्णिमा के विषय में कहता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वराह और भू देवी का पूजन करें। एक वर्ष ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की पूर्णिमा को वृषोत्सव करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान करें। इससे मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत वृषोत्सव व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन के पितृ पक्ष की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावस्या को उपवास पूर्वक पितरों का पूजन करके पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माघ मास की अमावस्या को सावित्री सहित ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब मैं वट सावित्री संबंधी अमावस्या के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। व्रत करने वाली नारी त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत करे और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष के मूल भाग में महासती सावित्री का सप्त धान्य से पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो उसी समय वट के कंठ सूत्र लपेट कर कुमकुम आदि से उसका पूजन करे। प्रभात काल में वट के समीप नृत्य करे और गीत गाए। नमः सावित्रेय सत्यवते, सत्यवान सावित्री को नमस्कार है, ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री को नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मण को दे। फिर अपने घर आकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन करे। सावित्री देवी प्रियताम, सावित्री देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदि को प्राप्त करती है। वार संबंधी व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले वार संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। जब रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो तब पवित्र सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार रविवार को श्राद्ध करने वाला सात जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसे पवित्र आदित्य हृदय माना गया है। उस दिन अथवा हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को एक वर्ष तक नक्त व्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के साथ व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र से युक्त मंगलवार का व्रत आरंभ करें। इस प्रकार मंगलवार के साथ नक्त व्रत करके मनुष्य दुख बाधाओं से छुटकारा पाता है। बुध संबंधी व्रत में विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को ग्रहण करें। उससे आरंभ करके बुधवार के साथ नक्त व्रत करने वाला बुध ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके सात नक्त व्रत करने वाला बृहस्पति ग्रह पीड़ा से, ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार को व्रत ग्रहण करके सात नक्त व्रत करने वाला शुक्र ग्रह की पीड़ा से और मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके सात नक्त व्रत करने वाला शनि ग्रह की पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। नक्षत्र संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्री हरि का चैत्र मास में पूजन करें। मूल नक्षत्र में श्री हरि के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनके जंघाओं की अर्चना करें। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटी प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्व भाग का, रेती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठ भाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों का पूजन करें। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करें। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि के कर्ण द्वय का
और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करें। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग की, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करें, मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करें। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि के स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित शैया, गौ और धनादि का दान दें। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष श्री विष्णु शिव से अभिन्न है, इसलिए शांभवाहिनीय शिव संबंधी व्रत करने वाले को कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि का पूजन करूंगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले शांभवाहिनीय व्रत का अनुष्ठान करूंगा। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करता हूँ। व्रतकर्ता कार्तिक से माघ तक चार मासों में सदा अन्न दान करे, फागुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से अश्विन तक खीर का दान करे। भगवान श्री हरि एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करे। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तदंतर भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना करें। अच्युत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय परमेश्वर, जिस प्रकार आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। पापापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। अच्युत, अनंत, गोविंद, अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलषित पदार्थ को अक्षय कीजिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक श्री हरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्र का प्राशन करके श्री हरि का यजन करें। वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म में व्रत कर्ताओं को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करा के उसे अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैल रहित भोजन करें। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फागुन तक घृत का, चैत्र से आषाढ़ तक अघनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करें। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश्व को मंधाता पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले दिन व्रत के विषय में बतलाता हूँ। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और 1 दिन तक पयोव्रत का आचरण करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्णमय कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक पयोव्रत करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करा के दान दें और 1 दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करें। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में 1 भूत व्रत रखता है, वो दिन में निराहार रहकर त्रिरात्र व्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में 3 1 भुक्त नक्त वाला व्रत
करने वाला गणपति के सायुज को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उपदेश से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है वो अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत प्रारंभ करे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 100 अथवा 100 बार जप करे। अष्टमी को एक भुक दिन में एक बार भोजन करना। व्रत और नवमी दशमी एकादशी को उपवास करे। द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। ये व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र शैया आसन छत्र यज्ञोपवीत और पात्र दान करें। देते समय ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करें, इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो आप लोगों की आज्ञा से वो परिपूर्ण हो जाए। ये त्रिरात्र व्रत न करने वाला इस लोक में भोगों का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में कहता हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राशन करके एकादशी को उपवास करें। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात्र व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान कर देने वाला सुखी होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरम्भ करके 3 दिन तक केवल दुग्ध पी कर रहे फिर 3 दिन तक उपवास करें। इसे महेंद्र कक्ष कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ करके पंचरात्र व्रत करें। प्रथम दिन दुग्धपान करें, दूसरे दिन दधि का आहार करें, फिर 3 दिन उपवास करें। ये अर्थपद भास्कर कृच्छ कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके 6 दिन तक क्रमशः यव की लपसी शाक दधि दुग्ध घृत और जल इन वस्तुओं का आहार करें। इसे शांतपन कृच्छ कहा गया है। मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में अभंग मालिश और उबटन का त्याग करें। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। 1 मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णु लोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुड़धेनु का दान दे। इसे गुड़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। माघ शिष्म आदि मासों में नक्त व्रत रात्रि में 1 बार भोजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। 1 भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी प्रकार पृथक रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चातुर्मास्य में फलों का त्याग करके उसका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाले कर्क संक्रांति में श्रीहरि का पूजन करें और कहें, भगवान मैंने आपके सम्मुख ये व्रत ग्रहण किया है। केशव आपकी प्रसन्नता से इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन यदि इस व्रत के ग्रहण के अनंतर इसकी अपूर्णता में मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से व्रत संपूर्ण हो। व्रत करने वाला द्विज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं को और तेल का त्याग करके श्री हरि का यजन करे। 1 दिन के अंतर से उपवास रखकर त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला विष्णु लोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रजाप्रत्य व्रत करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके दुग्ध आदि का आहार करके तथा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ हो जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्रीहरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदनादि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पों से उनका पूजन करें।
तदनंतर तिल तैल से परिपूर्ण दीपक और धृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करें। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करें। ओम नमो वासुदेवाय। इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मास उपवास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऋतु, वर्ष, मास, संक्रांति आदि विभिन्न व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष को सुलभ करने वाले हैं। जो वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में धृत धेनु का दान करता है, वो अग्निव्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। जो एक मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को धृत कुंभ, तिल, घंटा और वस्त्र देता है, वो सारस्वत व्रत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता है। एक वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। चैत्र की एकादशी को नक्तभुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने पर विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा का दान करें। इस विष्णु संबंधी उत्तम व्रत का पालन करने वाला विष्णु पद को प्राप्त करता है। एक वर्ष तक खीर का भोजन करके गोयुग्म का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो एक वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है वो राज्य को प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं। अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जब संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उद्यापन में 32 पल स्वर्ण का दान देकर वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विषुवादी योगों में भगवान श्री हरि को धृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए उमाव्रत लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं होता। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य पुरुषत्व को प्राप्त करती है। दीप दान व्रत की महिमा एवं विदर्भ राजकुमारी ललिता का उपाख्यान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के ग्रह में एक वर्ष तक दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महत्व पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है, सौवीर राज के यहाँ मलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चुहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बूझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चुहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसे पुण्य का मैं फल भोग रही हूँ। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूँ। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वो निश्चय ही अंधतामिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहाँ रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे अब यहाँ विलाप क्यों करते हो,
यहाँ विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो वेश्यों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही ये क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो परनारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का वेश्यों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने पर स्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वो मैंने बतलाया। अब हा मात कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे भी सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदायी हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। नौ युहार्चन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नौ युहार्चन की विधि बताऊंगा, जिसका उपदेश भगवान श्री हरि ने नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के बीच में ओम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करें, यथा ओम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अहम बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तदसत ब्रह्म का वायव्य कोण में, ह्रीं बीज से युक्त विष्णु का और श्रम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करें। कं तं शं सं इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करें। खं छं बं हुं फट तथा खं ठं फं शं इन बीजों से युक्त गदा के चंद्रमंडल में पूजा करें। बं णं मं शं तथा शं धं दं भं हं इन बीजों से युक्त श्री देवी का पूर्ण भाग में पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गं डं बं शं इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करें। पीठ के पश्चिम भाग में धं वं इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करें। सं हं लं इन बीजों से युक्त श्री वत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करें और शं तं यं इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करें। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करें। दस अंगादि का तथा महेंद्र आदि दस दिक्पालों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में चार कलशों का भी पूजन करें। तोरण वितान चंदोवा तथा अग्नि वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करें। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके ये भावना करें कि वो चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत अमृत की धार में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वो अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अपना स्वरूप माने, ये भावना करे कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद द्वादश बीजों का न्यास करें, क्रमशः वक्षस्थल मस्तक शिखा पृष्ठभाग नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्रत्रय और अस्त्र इन अंगों का न्यास करें। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है। जैसे अपने शरीर में न्यास करें वैसे ही देवता के विग्रह में भी करें तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करें। हृदय में जो श्री हरि का पूजन किया जाता है उसे निर्माल्य रहित पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंके तद अनुसार ही उसका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठा कर अग्नि में तिल चावल और घी की आहुति दें। 108 आहुतियाँ देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1000 आहुतियों का हवन करें। नवव्यूह की मूर्तियों तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियाँ देनी चाहिए। तदनंतर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। देव पूजा के योग्य और अयोग्य पुष्प। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ भगवान श्री हरि पुष्प गंध धूप दीप
और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करता हूँ। पूजन में मालती पुष्प उत्तम है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मल्लिका मोतिया समस्त पापों का नाश करती है तथा युथिका जूही विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। अतिमुक्तक मोगरा और लोग्र पुष्प विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती गुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुट पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का नाश करने वाला होता है। कमल कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति होती है। बाण पुष्प बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्रीहरि के लोक में जाता है। अशोक तिलक तथा आठरूष अड़ुंस से के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। विल्व पत्रों एवं शमी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमाल दल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णु लोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी शुक्ल तुलसी कलहार उत्पल पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए हैं। भगवान श्री हरि सौ कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप अर्जुन कदम्ब सुगंधित बकुल मौलसीरी किशुक पलाश मुनि अगस्त पुष्प गोकर्ण नागकर्ण रक्त एरंड संध्या पुष्पी चमेली विलवातक रजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड ग्राम कर्कटी कुशकास सर्पत विभीतक मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप नाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्ण भार से पुष्प उत्तम है। पुष्पमाला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्री हरि का पूजन न करें। इसी प्रकार कचनार धत्तूर गिरिकर्णिका सफेद किणी कूटज शालमली सेमर एवं शिरिस सीरस वृक्ष के पुष्पों से भी श्री विष्णु की अर्चना न करें। इससे पूजा करने वाला नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान का सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आग मदार धत्तूर पुष्पों से पूजन किया जाता है, किंतु कूटज कर्कटी एवं केतकी केवड़े के फूल शिवजी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैशाच माने गए। अहिंसा इंद्रिय संयम क्षमा ज्ञान दया एवं स्वाध्याय आदि आठ भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है। इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है। संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है। क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम तप एवं ध्यान पांचवे छठे और सातवे पुष्प है। सत्य आठवां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन आठ भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण है। श्री विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जल वारुण्य पुष्प है। धृत दुग्ध दधि सौम्य पुष्प है। अन्नाजी प्राजापत्य पुष्प है। धूप दीप आग्नेय पुष्प है। फल पुष्पादि पंचम वानस्पत्य पुष्प है। कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है। गंध चंदन वायव्य कुसुम है। श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसन्न है। ये आठ पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली है। आसन योग पीठ मूर्ति निर्माण पंचांग न्यास तथा अष्ट पुष्पिकाएं ये विष्णु रूप है। भगवान श्री हरि पूर्वोक्त अष्ट पुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम से पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नरकों का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु का पुष्पादि उपचारों से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर पुरुष न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल अग्नि विष शस्त्राघात भूख व्याधि या पर्वत से
पतन किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वो अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वो यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहाँ पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्यारा महावीज नामक नरक में 100,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्रकुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुख सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे 1,000,000 कल्प तक यमराज के अनुचर भालों से बीधते रहते हैं और फिर महातमिश्र नरक में जाकर वो पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मात्र घाती आदि मनुष्य असिपत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहाँ तलवारों से उनके अंग तब तक काटे जाते हैं जब तक ये पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं वे 1,000,000 कल्पों तक करम्भ बालू का नरक में जलती हुई रेत में भुने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्ठान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुट्टल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तेलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटाह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला तत्रच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गुड़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुद में, प्राणी हिंसा करने वाला शारहद में, भूमि का अपहरण करने वाला शुरधार में, गौ का स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्र शस्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला काल सूत्र में, अधिक मांस खाने वाला कश्मल में और पितरों को पिंड न देने वाला उग्रगंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाला दुर्धर नामक नरक में और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिरुंठ में, बालक स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मध्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमय शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिरुंठ में, बालक स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मध्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमय शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींच कर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती है। माता और पुत्री के साथ में विचार करने वाले धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नर पिशाचों को उन्हीं का मांस काट कर खिलाया जाता है। मासोपवास एकादशी व्रत अथवा विषम पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता।